अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को नमस्कार भाई हो। दोस्तों, हमारे कंपनी में या फिर जो है कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, या फिर जो है कि दूसरे जगह से भी हमारे बहुत से दोस्त तो बराबर फ़ोन करते हैं कि हमारे पीएफ का पैसा निकाल दीजिए, जो हमारे जान पहचान के हैं वो, कि हमारे पीएफ का पैसा थोड़ा निकाल दीजिए। या जितने भी हमारे कंपनी में वर्कमैन हैं जो काम वाम करते हैं, तो वो लोग भी बराबर बोलते हैं कि हमारे पीएफ का पैसा निकाल दीजिए, या फिर जो है कि बता दीजिए कि पीएफ का हम जो है कि अपने मोबाइल से कैसे पीएफ हम निकालें। तो मैं जो है कि इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ कि आप जो है कि किसी भी साइबर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि अपने खुद मोबाइल से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम अपना पीएफ का पैसा अपने मोबाइल से बिल्कुल इजी तरीके से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो है कि कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, गूगल हो गया। तो जो है कि मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, और यूएएन जो है कि टाइप करने के बाद हम सर्च कर देंगे। जो फर्स्ट पेज ये ओपन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम कभी कभी लगता है सर्वर के इशू के चलते। ओपन होने के बाद एक पॉपअप खुल कर आएगा, अलर्ट का मैसेज आएगा। आप जो है इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। हम जो है ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद से है कि आप ये थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड में है, मैं क्लिक किया हूँ। इससे ये होगा कि आप जो है कि जैसे हम कोई कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, तो बिल्कुल जो है कि मोबाइल में भी पीसी की तरह, लैपटॉप में जैसे कोई भी ब्राउज़र ओपन होता है, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही ओपन होगा। उसके बाद से है कि आप यूएन में आप अपना पीएफ नंबर डाल दीजिए, और उसमें जो है कि पासवर्ड डाल दीजिए, और इसमें जो है कि आप ये कैप्चर नंबर डाल दीजिए, और उसके बाद जो है कि साइन इन पर जब क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। तो हम अपना जो है कि यूएन नंबर और पासवर्ड कैप्चर नंबर डालकर लॉग इन कर लेते हैं। इसमें जो है कि हम अपना पीएफ नंबर डाल लेते हैं, इसमें पासवर्ड डालेंगे, हमने जो है कि सब डाल लिया है। अब जो है कि हम साइन इन पर क्लिक कर देंगे। ये जो साइन इन है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आपको डालना पड़ेगा। इसमें ओटीपी अपना डाल लेते हैं, एक कैप्चर नंबर डालेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा, इसमें जो है कि ओटीपी डाल देना है। उसके बाद ये जो है कैप्चर नंबर को इस बॉक्स में है कि डाल देना है। और उसके बाद ये जो सबमिट का बटन है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ देर लोडिंग लेगा और ओपन हो जाएगा। अब जो है एक अलर्ट का एक और पॉपअप खुल कर आएगा। आपको जो है कि इस पर प्रोसेस एक लिखा होगा, एक लेटर लिखा होगा। आप जो है अगर केवाईसी सब कुछ कर दिए हैं, तो आपको जो है लेटर पर क्लिक कर देना है, लेटर पर। उसके बाद से है कि पांच ऑप्शन दिया है, इस पर जो है कि हम क्लिक करेंगे। अगर आपको क्लेम करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। और आपने पहले से अगर क्लेम किया हुआ है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे कि स्टेटस क्या है। अगर पीएफ के लिए क्लेम किया हुआ है पैसा निकालने के लिए, तो जब स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा
तो ऐसा ऑप्शन आएगा, अगर आपके करंट स्टेटस पर अगर क्लेम सेटल्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है कि क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया है, और सेटल्ड हो जाने के बाद जो है कि लगभग 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उसके बाद अगर रिजेक्टेड है, अगर आपने क्लेम किया है, अगर रिजेक्ट है, रिजेक्ट कभी कभी हो जाता है कि हम जब पैसा निकालते हैं तो हमारे पीएफ में जितना पैसा होता है हम ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर जो है कि कुछ फॉल्ट होता है हमारे, कुछ फॉल्ट हो जाता है अकाउंट में, चाहे कुछ केवाईसी कुछ इशू हो जाता है, तो उसके चलते रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो अगर जो है कि रिजेक्टेड है, अगर ऐसा रिजेक्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अगर क्लेम जो किया है वो उसमें कुछ फॉल्ट है तो रिजेक्ट हो गया है। तो आपको फिर जो है कि सब चेक को करना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, रीज़न चेक करना पड़ेगा, कुछ इशू होता है उसके चलते हो जाता है। तो आप जो है कि स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं। आप जो है ऑनलाइन सर्विस में जाकर अगर आपको पैसा निकालना है तो क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लेम फॉर्म पर जब क्लिक कीजिएगा, अब जो है कि ऐसा एक पेज ओपन होकर आएगा। आपको आपको इसमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई करना है। तो आप जब केवाईसी किए होंगे तो आपने जो अकाउंट नंबर दिए होंगे तो वही वाला अकाउंट डालना है, दूसरा नहीं डालना है। तो मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा एग्री के लिए कि अगर आप एग्री हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। तो हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद जो है कि यस करने के बाद प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम आएगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जो है कि आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पर जो है इस पर लिखा होगा आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यानी कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस पर जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऑप्शन आएगा। तो अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो अगर आपको सिर्फ पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो है एडवांस सिर्फ निकाल सकते हैं, बाकी पेंशन नहीं निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा और जो है कि एम्प्लॉयर का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। हम जब पैसा पीएफ का निकालते हैं तो 3 तरह का होता है, एक एम्प्लॉय पीएफ, एक एम्प्लॉयर और एक पीएफ पेंशन। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं निकाल सकते, बाकी जो है कि आप एम्प्लॉय वाला आप निकाल सकते हैं। तो पीएफ एडवांस निकालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो है कि हम उसके बाद से है कि कुछ ऑप्शन आ जाएगा। सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो कंपनी में काम किए होंगे, जितने कंपनी में आपने काम किए होंगे वो सभी कंपनी का नाम शो करेगा, और किस कंपनी से आप पीएफ निकालना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से जैसे मैंने जो है कि इसमें से पैसा हम निकालना चाहते हैं, इस पर सेलेक्ट कर दिए। आप पर्पस सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से पर्पस से आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो हमारे में बहुत सारे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शन जो है कि हेडन है। मैं जो है कि सिंपल ये नेचुरल क्लाइमेट्स है, इस पर क्लिक कर देते हैं, और इसमें अमाउंट डालेंगे आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं। हमने जो है कि 2,000 रुपये डाला। इसमें जो है कि अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस इसमें हम फिल कर देंगे। जैसे इसमें हम अपने गांव का नाम डाल देते हैं, मैंने गांव का नाम डाल दिया। इसमें जो है कि आप इसमें जो है कि पोस्ट डाल दीजिए, स्टेट में जो है कि आप जो भी स्टेट के हैं स्टेट डाल सकते हैं। स्टेट डालने के बाद जो है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका जो ज़िला पड़ता है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें सिटी में आप जो है कि फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही डाल दीजिए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया। आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए,
जो आपका जो जहाँ घर है वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल जो पिन कोड होता है वो पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद से सब डालने के बाद जो है कि आप इस पर जो है क्लिक करेंगे और इसमें एक जेपीजी फॉर्मेट में अपने पासबुक को या फिर जो है कि चेक बुक दोनों में से कोई एक को इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और आप लोगों को याद रखना चाहिए वो जो पासबुक हो वो जेपीजी फाइल में या जेपीईजी फाइल में होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने पासबुक को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो है आपका जो पासबुक है अगर 500 KB से ज़्यादा है तो यहाँ एरर आ जाएगा, रेड कलर का शो करेगा, आपको जो है अपना पासबुक का जो फाइल है उसे कम करना पड़ेगा, जो है कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, ये आप लोग हमेशा याद रखें। उसके बाद से है कि एक एग्री का एक चेक बॉक्स होगा, आपको जो है कि उसमें चेक मार्क करना पड़ेगा कि मैं सहमत हूँ, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद ये आएगा गेट आधार OTP, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है एक मोबाइल पर पासवर्ड जाएगा, जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड को आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद से है कि आपका जो क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस पर जो है कि मैंने क्लिक कर दिया, इसमें जो है कि आपको OTP डालना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है कि हमने जो है सबमिट किया था और जो है ये सबमिट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप जो देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसा अगर मैसेज आ जाएगा, ऐसा शो होने लगेगा, ऐसा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड लिख देगा और सक्सेसफुल सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, ये कलर का आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि सबमिट हो गया है। उसके बाद से है कि आपके मोबाइल पर सेटल्ड का एक मैसेज चला जाएगा कि आपका जो है PF जो है सेटल्ड हो गया है, इंग्लिश में जाएगा एक मैसेज सेटल्ड करके। अगर वो मैसेज चला जाए, कभी कभी जो है कि सर्वर इशू के चलते मैसेज नहीं जाता है, आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए मैंने बताया है, इस पर जो है कि ये ट्रैक पर क्लिक करेंगे, ये ट्रैक क्लेम स्टेटस पर चेक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। अभी जो है कि मैंने सबमिट किया, ये डेट देख रहे हैं 25 जुलाई 2024। तो यहाँ पर जो है कि सेटल्ड लिख देगा। अगर जो है कि सेटल्ड नहीं होगा, अगर कोई इश्यू होगा, हमारे PF अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा या फिर जो है कि हमारे अकाउंट में कुछ इश्यू होगा या KYC कुछ इश्यू होगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर KYC या फिर चेक वुक करके आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा। और जो है कि अगर सेटल्ड लिख दिया तो सेटल्ड हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं जो है कि कोशिश करूँगा कि और अच्छे से बता सकूँ। जहाँ आपको समझ में न आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।